सोलन में हुई ओलावृष्टि से किसानों के साथ साथ सोलन का व्यापारी भी बेहद चिंतित नजर आ रहा है। एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कुदरत का कहर भी जारी है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते किसान के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ी हैं। वहीं किसानों को नुकसान होगा तो उसका असर बाजार पर भी पड़ेगा, जिसके चलते व्यवसाय भी परेशान है। कोरोना संक्रमण के चलते व्यवसाय पहले ही बेहद कम हो रहा है। शहर के व्यापारियों को उम्मीद थी कि अगर इस बार फसल अच्छी होगी तो व्यवसाय फिर से पटरी पर आ जाएगा, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से उनकी आशाएं टूटती हुई दिख रही हैं। सोलन के व्यापारियों ने कहा कि सोलन में हो रही ओलावृष्टि से खुमानी, पलम, आड़ू और नाशपाती आदि फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं खेतों में लगी फसल को भी हानि हुई है, जिसके चलते किसानों को भारी घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ वे भी बेहद चिंतित हैं, क्योंकि अगर किसान घाटे में जाएगा तो सोलन के व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा। लोगों की क्रय करने की शक्ति घट जाएगी, जिसकी वजह से व्यापार घाटे से उबर नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पहले ही व्यवसाय मंदी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आपने खुद देखा भी ओलावृष्टि जो हुई है बहुत तेज हुई है, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसमें किसानों को है, क्योंकि किसानों का नुकसान आप देख ही रहे हैं। इस समय हर एक चीज में कुर्बानी है या पलम है या आड़ू है, सब इस समय मैक्सिमम लग चुके हैं। तिक्के से ओलावृष्टि हुई है और यहाँ भी हुई है, शिमला वगैरह में भी होगी, राजगढ़ वगैरह में भी हुई है, तो सारा जो इनकी फसल ख़राब होगी, इससे किसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। व्यापार में तो इसमें सभी दुकानदार को, चाहे वो दुकानदार छोटा है चाहे बड़ा है, उसमें अब सब, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जो अब जिमीदार है, जिसकी रोटी रोजी हुई है, जिसने फल फ्रूट जो लगा हुआ था, उसकी इनकम सोर्स थी, तो उसने अब आना था बाज़ार में, फल निकलता पौधा पौधे से, जब उसने मार्केट में जाना था, बेचना था, पैसा आना था, वो पैसा फिर मार्केट में सर्कुलेट होना था, तो सभी दुकानदारों भी आना था। किसी ने जूते लेने, किसी ने कपड़े लेने, या किसी ने घड़ी लेनी, कुछ ना कुछ मतलब मार्केट में वो पैसा आना था, तो वो अब बंद हो गया होगा। जी, मेरा नाम निखिल है और मैं सोलन का ही रहने वाला हूँ। तो आज जैसा कि यहाँ पर बारिश भी बहुत हो गई है, ओलावृष्टि भी हुई है, तो इससे आम किसानों को जो फ़र्क पड़ा वो तो बहुत पड़ा है। ओलावृष्टि हो गई तो उनकी तो फसल ख़राब हो गई है, और साथ ही कोरोना का भी जो माहौल चल रहा है सोलन में, जैसा कि आपको भी पता है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो किसान है, आम लोग हैं, वो बाज़ारों को निकलने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, तो वो जो कस्टमर आते हैं अब वो बहुत कम हो चुके हैं, तो इससे आम दुकानदारों को भी यहाँ इसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है कोरोना वायरस का, और साथ ही जो बारिश हो रही है ओलावृष्टि का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। तो बस यही कहूँगा कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए और किसानों को थोड़ी राहत देनी चाहिए। बहुत ही खतरनाक बरसात और काफ़ी टाइम बाद हुई है इस समय यहाँ पे, तो आई एम श्योर नुकसान तो उनको काफ़ी फसलों पे उनके हुआ होगा। बाकी एज रिगार्डिंग मार्केट, आप बोल सकते हैं मार्केट अब बिल्कुल ही ठंडी बढ़ गई। वैसे इस समय मई का स्टार्टिंग 5 तारीख होगी आज, और इतनी एकदम से ठंड पड़ गई है कि मतलब गर्मी आने का नाम ही नहीं है, तो व्यापार पे तो सबका ही नुकसान हुआ होगा। दूसरी तरफ कोरोना काल चल रहा है इस समय, तो वैसे ही बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं, काम सबके नियरली चौपटी इन्होंने कर दिए हैं। बाकी यहाँ नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, उधर से कोरोना काल चल रहा है, उधर से ओलावृष्टि है, सब कुछ ही मतलब बिल्कुल ही बंद बंजर सही है। अब होपफुली देखिए शायद सुधरेंगे आगे नए आने वाले टाइम में थोड़ा कुछ। तो बिज़नेस तो देखिए जिस समय अगर हम लगाएंगे, जैसे इन्होंने 300-400 लोगों की गैदरिंग के लिए सिर्फ 10 या 20 लोग उन्होंने कर दिया हुआ है, तो वैसे ही बिज़नेस भी सिर्फ 10 या 20% ही रह गया हुआ है। दुनिया बाहर निकल रही है, थोड़ा उनके मन में डर भी बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है कि क्या करें, कैसे करें, कहीं हमें ही कुछ मतलब बीमारी ना हो जाए। और दूसरा भी अभी खर्चा भी नहीं करना चाह रहे दुनिया, मतलब नहीं तो इस समय शादियों का सीज़न था और बढ़िया था, इस समय काम अच्छा निकल जाता है सबका, मतलब बेसिकली शादियों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था, लेकिन अब शादियाँ ही नहीं है तो लोग खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, और खर्चा नहीं हो रहा तो बिज़नेस सबके टोटली डाउन आए हैं। अगर इन लॉकडाउन वगैरह उन्होंने कुछ लगा दिया तो वैसे ही बहुत नुकसान है, ऑलरेडी झेल चुके हैं।